सो फाइनली एक नए सफर की शुरुआत अमृतसर से होती हुई। और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक, और एक नए सफ़र की शुरुआत करते हुए हम अमृतसर से गोवा के लिए, और अभी के लिए जो हम बैठे हैं वो बैठे हैं अमृतसर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट इंडिगो में, और ऑलरेडी टेक ऑफ हमने कर लिया है। कुछ ही समय में दिल्ली में ये फ़्लाइट लैंड करेगी। सो गोवा में किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर की कैसे वहाँ पे डेकोर्स पार्टी, बिकॉज गोवा बहुत ज़्यादा फेमस है स्पेशली क्रिसमस टू न्यू ईयर इतने टाइम के बिटवीन के लिए, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो सब कुछ आपको इस ट्रिप के दौरान दिखाया जाएगा। और हालांकि इस ट्रिप की जो मेन खासियत है वो ये है कि मैं आज जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने टीम के साथ। आज मेरे साथ आनिया नहीं है, आज मैं फैमिली के साथ नहीं ट्रैवल कर रहा, तो आज मैं अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते ट्रैवलिंग ब्लॉग के अलावा या मेरे इस ट्रैवल चैनल के अलावा, मेरा अपना फ़ोटोग्राफी का काम है। सो आई एम अ फैशन एंड अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र। सो उस रिलेटेड भी मैं अलग अलग जगहें ट्रैवल करता हूँ एंड अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। सो आज जो हम गोवा में जा रहे हैं वो जा रहे हैं बेसिकली प्री वेडिंग शूट। सो फाइनली वी जस्ट लैंडेड इन दिल्ली एयरपोर्ट, और मेरे पीछे फ्लाइट जिसमें अभी हमने लैंड किया है, और मौसम बहुत सुंदर यहाँ पर। हालांकि फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जैकेट्स के अंदर, लेकिन अभी बाहर निकल के कुछ अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अभी हमारी है कनेक्टिंग फ्लाइट टू गोवा। सो अभी हम चलेंगे बस में, जहाज़ में आए और बस में बैठेंगे और फिर बस से भी उतार दिए जाएंगे। आप तो मेरे को जानते हो ना। अच्छा डोंट लाइक आप हमें शूट कर रहे हो? नहीं नहीं, हम BTS कर रहे हैं। विंडो सीट नहीं मिली इन्होंने भी, विंडो सीट। आई गॉट अ विंडो सीट ड्यू टू हर, बिकॉज ऑफ मी। हां, और ये अभी हम T2 टर्मिनल की तरफ चलते हुए, अभी के लिए हम खड़े हैं T1 टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ से अभी हम जाएंगे T2 टर्मिनल की ओर, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं शटल बस जो एयरपोर्ट की तरफ से ही चलती है। अगर आपके पास समय कम है तो आप प्राइवेट शटल बस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी 40 रुपीज़ की टिकट रहती है, जैसे कि वो मेरी एकदम सामने लगी है ये वाली। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं, ये हर 5-10 मिनट बाद चलती है। और एयरपोर्ट की जो शटल सर्विस है वो हल्की सी धीमी चल रही है। पहली बस थी जो 20 मिनट बाद आई, अभी हम वो फुली लोडेड थी तो उसमें स्पेस नहीं मिली। अभी हम वेट कर रहे हैं सेकंड की, और आपको अपने बोर्डिंग पास दिखा के अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है उसके आप बोर्डिंग पास दिखाइए और आपको फ्री टिकट्स मिल जाती है, जिसको बाद में आप अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो बसेस में। चलिए चलिए, हम जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। देखो आप सर कैसा रहा, बहुत बढ़िया। क्या क्या बोला जाता है?
अभी हम कहाँ जा रहे हैं, बस में बैठे हुए, एक साइज हमारे साथ। ये देखिए सेल्फिश लोग हैं, इनको मैं लाया और ये खुद बैठ गए, मेरे को ये खड़ा किया हुआ। इन्होंने कहते सर आप बैग भी अपने पकड़िए और खड़े भी रहिए। देखिए देखिए थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जद्दोजहद होती हुई बसों के बीच में, प्राइवेट बस। ये देखिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं T2 टर्मिनल के ऊपर, जहां से अभी हम एंटर करेंगे T2 टर्मिनल के ऊपर। सामने मेरे एकदम अभी के लिए बैठे हैं हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर, वेट करते हुए अपनी फ्लाइट जो कि इंडो के एयरलाइंस की। तो समय व्यतीत करना बहुत मुश्किल, बोर होते हुए हम, और अभी हम बैठे हैं अपने गेट के आगे, 26 हमारा गेट नंबर है और जस्ट उसके हम सामने बैठे हैं। ये सामने 26 गेट नंबर। अभी के लिए वेटिंग चलती, इस साइड मेरे साजन और इस साइड हरदीप, और ये बीच में मैं, इसको तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल गाइस जानते हैं। हाँ इसको भी आप जानते हैं और मेरे को तो आप पहले से ही जानते हैं। फाइनली इट्स टाइम टू फ्लाई फॉर ए गोवा, और अभी हम चल रहे हैं गोवा की फ्लाइट में बैठने के लिए। एकदम मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस जो हमें लेके चलेगी गोवा, और 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचने वाले हैं गोवा। तो अभी जल्दी से फ्लाइट में बैठते हैं। और ये जिसकी हम आपको बता रहा था कि आज मैं प्री वेडिंग के पर्पज़ से जा रहा हूँ, तो ये मेरे क्लाइंट जिनके हम प्री वेडिंग कर रहे हैं, क्लाइंट भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है, निकिता एंड अभिषेक, और वो साजन जिसने ज़िद करके मेरे से मेरी सीट, एक्चुअली वो सीट मेरी थी बट साजन ने ज़िद की और चोरी से उस साइड अब बैठ गया है। अभी हम ये सब के सब जा रहे हैं गोवा के लिए, तो अभी बस कुछ ही समय में हमारा टेक ऑफ चलने वाला है और फिर हम 2.5 घंटे के बाद लैंड करेंगे गोवा में, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से टैक्सी करके एयरपोर्ट से अपने कैलनगाट बीच जहाँ पे हमारा होटल है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि कितने की टैक्सी पड़ती है, कैसे आप एयरपोर्ट से टैक्सी कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली आपको एयरपोर्ट से अपने नॉर्थ गोवा में पहुँचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में पता लगेगी, तो टिल द टाइम आप बने रहिए मेरे साथ, और जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस अभी वेट करते हैं टेक ऑफ की और फिर सीधा आपको मिलेंगे गोवा में। कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए जब आपको अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स कैमरा में मिल रही है तो आप फोन पे क्या करोगे पिक्चर्स का? ब्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने एक एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। पिक्चर्स फॉर एंजॉयमेंट, सेल्फी क्लिक करो। हाँ सुन लो काम की गल बोल रही है, जरूरत पैनी आने वाले समय च। फाइनली वी जस्ट लैंडेड इन गोवा एयरपोर्ट। 2.5 घंटे की फ्लाइट में सफ़र तय करने के बाद अभी हम गोवा के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और यहां से अभी हम चलेंगे आगे अपने होटल में जो कि पड़ता है नॉर्थ गोवा में। तो यहां से अभी हम करेंगे टैक्सी जो है वो आप अलग अलग बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बेसिस के ऊपर सोलो टैक्सी, या आप अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो ग्रुप में टैक्सी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइस और आपकी सेविंग्स में आपको फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज जो आपकी टैक्सी की एवरेज प्राइस रहती है वो रहती है 1500 से लेके 2000 रुपीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप 5 सीटर या 7 सीटर बुक कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर बेसिस पर कर रहे हैं तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे। बसेस भी चलती हैं यहाँ से, तो बट बेटर कन्वीनियंस रहता है कि आप अपनी टैक्सी से ही आप प्रेफर करें। और अभी हम बस टैक्सी बाहर निकल के टैक्सी अपनी करेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपने होटल की ओर।
में पहचान लेना, हम वही बंदे हैं। और अभी हम वेट करते हुए टैक्सी की जो हमने बुक की है, और हमें पड़ी है 1800 की, और हम हैं टोटल करीब 5 लोग, और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर, जैकेट्स में बुरा हाल होते हुए। और ये देखिए सामान, और ये हम सब टैक्सी की प्रतीक्षा करते हुए। नहीं बट तब बहुत बुरा हाल होता है जून जुलाई में तो। सो गाइस आप देख रहे हो दुबई की सड़कें, आप दुबई की सड़कें देख के एंजॉय करो, गर्मी बहुत है ये देखो भैया हमारे पसीनों में पड़े तो पंजाबी में जैसे पसीने हो रहे हैं लोग, तो मसाला दुबई दुबई पा देना मेरा। ये दुबई का है सारा, देख सकते हो। यहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना है। सो है गाइस, सो इट्स आवर फर्स्ट डे इन गोवा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी हम चल रहे हैं, और अभी हम चल रहे हैं स्कूटी रेंट करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 11, और प्री वेडिंग हमने जो करनी थी विदाउट स्कूटी हम कैसे करेंगे, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, जिसके लिए अभी हम चल रहे हैं स्कूटी को रेंट करने के लिए। और स्कूटी के प्राइसेस इतनी ज़्यादा इन्होंने हाई किए हुए हैं ड्यू टू न्यू ईयर और क्रिसमस। आप बोल सकते हैं क्रिसमस तो चलो अभी खैर चला गया, लेकिन अभी न्यू ईयर के कारण जो 250-300 की स्कूटी मिल जाती थी इजीली रेंट के ऊपर, वो भी मिल रही है 1000-1500 के करीब। तो अभी चल के देखते हैं क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। और अभी हम आए हैं गोवा की रोड के ऊपर। वो भाई क्या देख रहे हैं ना, हाँ जी सर कैसे हो, राइट नाउ वी आर एट कैलनगढ़ बीच, एंड यहाँ पे देखिए मेरे पीछे बहुत ज़्यादा रश ड्यू टू न्यू ईयर। और दुबई में पहुँच चुके हैं अभी, हम सोच रहे हैं कि शूट सेपरेट प्लेस कहाँ मिले जहाँ रश कम मिले और अच्छे से हम अपना शूट कर पाए। और शूट वाली कंडीशन मिल गई वो देख, जयपुर जयपुर का किशनगढ़ देख शूट कर लो बस। हाँ नहीं वो क्रॉस करना पड़ा था ये साइड, और मेरे सामने एकदम बीच। और ये देखिए मैंने ऐसा लगा था मैं कल्ला ही हूँ, मैं कहना नहीं आया। क्या बोले, मैंने ऐसा लगा था मैं कल्ला ही हूँ, मैं कहना नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। सायन आई थिंक अभी आपका दिल कर रहा है कि यार ये काम कुम छोड़े और पानी में चलाने लगा, और एंजॉय करें। मैं समझ गया आपका फेस एक्सप्रेशन से ही, करूंगा बाद में। क्या बाद में करूंगा, बाद में नहीं नहीं वो वाइट टीशर्ट में जा रहा है। और अभी के लिए बैठे हम कैलनगढ़ बीच के ऊपर, और हमारा अभी शूट चलता हुआ। ले आओ अब ले आओ, और अभी बज रहे हैं शाम के 5, पहले काम कर रहे थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और यहाँ पे रौनक पूरे जोरों के ऊपर, और सनसेट होता हुआ अभी यहाँ पर। थैंक यू। हेलो भैया, हेलो आदेश जी, कौन मिट्टी वाला जो बंदा अपना ही है। अच्छा
दिल है चंगा तो साली क्या करेगी गंगा। ओ ये बात है दिल बहुत ले ला क्या क्या हुआ काजू द्राक्ष नहीं यार मैं दो दो चीजें किधर पानी है। नहीं नहीं काजू का है लीची है वो नहीं मिलेगा दो ही महीने चलता है कच्चे काजू। नहीं बट अभी दिल नहीं है मन नहीं है बाद में भी नहीं मिलेगा बट अभी मन ही नहीं है। सरदार जी मिलेगा आइटम नहीं इनको सरदार जी आप लाइम सोडा पी रहे हैं इसलिए ठीक है। सरदार जी आप खाओ और बताओ हमें कैसा है आइटम कैसे बाद में बोलते हैं।